पातशाह बना ता दिता, इतना महान पातशाह बना दिता, बैठा सोडी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे। दुनिया दे राजे महाराजे आके झुक रहे ने, पर ऐसा हो सकता दुनियावी राजे महाराजे आके सामने झुक रहे होण ते बाहर निकलदे ही सिर उच्चा हो जावे। पर गुरु रामदास साहब पातशाह जी दा सिर हमेशा ही नहीं वा, हमेशा ही निम्रता, क्योंकि वड्याई दित्ती सी गुरु नानक देव साहब जी ने, वड्याई मिली गुरु अमरदास साहब सतगुरु जी तो, मालक वाहिगुरु जी ने वड्याई दित्ती। वह वड्याई ऐसी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। दुनियावी देशां दे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वड़ी वड़ी शख्सियतां अज आके गुरु रामदास साहब जी दे दर ते दरबार साहब झुकदियां ने, गुरद्वारा बंगला साहब आके नतमस्तक हुंदियां ने। कैसी वड्याई है, अक्सर वड्याई दी गल चलदी है ते गल गुरु अर्जन देव साहब जी दी बाणी दी विचार कर रहे हैं आ जांदी है। अज वड्याई पृथ्वी चंद दी नहीं, अज वड्याई गुरु अर्जन देव साहब जी दी है। पृथ्वी चंद धोखा खा गया, पृथ्वी चंद ने उन्हां वड्याईयां वड्यां तो वड्याई लभनी चाहिए जिन्हां कोल आप वड्याई नहीं सी। उन्हें सोचा जहांगीर वड्डा नजर आ रहा है, बादशाह है, उन्हें की पता ये बादशाह दी वड्याई नहीं है, ये जहांगीर दी वड्याई नहीं है। जे वड्याई उहदे कोल हुंदी ते उहदा सका पिता अकबर बादशाह ये फैसला क्यों एक वारी करदा कि मैं इस सलीम नूं राज गद्दी नहीं देनी, क्योंकि ये शराबी कबाबी अयाश बंदा है, ये अपना भला नहीं कर पा रहा, दुनिया का की करेगा। तो उन्हें सोच लिया सी कि मैं अपने पोतरे खुसरो नूं राज गद्दी दे देंगा। एक गल होर समझ लेना, बंदे दे जीवन का पता उहदे घर तो या उहदे घर परिवार के लोगों तो चलता है, उस तो बाद उहदे जीवन का पता उहदे पिंड तो महल्ले तो चलता है। मनुख लोगों नूं भुलेखा पा सकदा है, पर अपने महल्ले दे लोगों नूं भुलेखा नहीं दे सकदा, अपने पिंड दे लोगों नूं बहुता चिर धोखा नहीं दे सकदा। उत्थों पता लगदा है कि मनुख कित्थे खड़ा है। पर मालक वाहिगुरु जी की वड्याई की गल करिए, गुरु अर्जन देव साहब जी की वड्याई की गल करिए, एक महला पिंड, कोई शहर, कोई देश नहीं, पूरी कायनात सृष्टि, तख्त बैठा अर्जन गुरु, सतगुर का खिवै चंदोवा, उग वणहो तै आथ वणहो चौ चक्की कीअन लोवा। जिथों सूरज निकलदा ते जिथे जाके छपदा है उत्थे तक प्रताप फैल रहा गुरु अर्जन देव साहब जी का, उत्थे तक वड्याई फैल गई गुरु नानक देव साहब जी की। प्रगट भई सगले जुग अंतर, गुरु नानक की वड्याई। कौन गुरु नानक? गुरु अर्जन देव साहब। कौन गुरु नानक? साहब गुरु हरकृष्ण साहब, आप साहब गुरु तेग बहादुर साहब, आप साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब। शरीर वखरे, नाम वखरे, पर नानक एक, जोत एक। जहांगीर ने वड्याईयां अपने कोल खुदा दी बंदगी करके पैदा नहीं कीतियां, वो अपने आप नूं वड्डा समझ बैठा। वह दुनिया नूं किस नूं मारना, किस नूं मसल देना, किस नूं खत्म कर देना है, वह फैसले आप लैण लग गया। हंकार दे अधीन होके ते पृथ्वी चंद उहदे कोल पहुंच गया। 2 महीने लगातार इसे दिल्ली दे विच इस गल तों बैठा रहा, रुलदा रहा कि गुरु अर्जन देव साहब जी नूं जहांगीर मार मुकावे। जिथे सुलही खान सुलभी खान कोल वड्याईयां लभदा फिरिया, किथे वड्याई मिली? वड्याई दा दाता, वड्याई दा मालक घर दे च बैठा है ते उहनूं घर तों वड्याई नजर नहीं आ रही, दिस नहीं रही। नजर नजर दी गल है ना।
सब तो वड्डा अफसोस उदों हुंदा है जद बंदा सियाणा बहुत बनता पर उन्हों अपने पराए का भेद पता नहीं हुंदा। उन्हों यही नहीं पता हुंदा कि कौन धोखा देन वाला है ते कौन सिद्धी गल कहन वाला है। गुरु रामदास साहब सतगुरु जी ने सीधी गल पृथ्वी चंद नूं कह दित्ती, काहे पूत झगरत हों संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो तिन संग झगरत पाप। तू ते पाप कर रहा बड़ा, तू उस मां बाप नाल ही झगड़ा पा रहा जिन्हां ने तैनूं जन्म दिता। वह तो क्रोध दे विच काला पीला लाल सुरख चेहरा हो गया, मैं पाप कर रहा। वह तो सतगुरु गुरु रामदास साहब जी नाल भी झगड़ा पा बैठा, उन्हों गुरु रामदास साहब जी विचों वड्याई नजर ना आई, पर गुरु रामदास साहब सतगुरु जी नूं गुरु अमरदास साहब जी विचों वड्याई नजर आई ते वड्याई प्राप्त कर ली। गुरु अर्जन देव साहब जी ने वड्याई घर विचों ही प्राप्त कर ली, क्योंकि वेखण वाली अख होवे ना दो प्रकार नाल मनुख वेखदा है, नजर। गुरु अमरदास साहब ने कहा, ऐ नेत्रो मेरे हो हर तुम मैं जोत धरी, हर बिन अवर ना देखो कोई, हर बिन अवर ना देखो कोई, नदरी हर निहालिया। यह जो संसार, यह संसार जो तुम देख दे, यह विस संसार जो तुम देख दे, यह हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। यह जो संसार एक पासे जहर है, पर जे इहदे विचों निरंकार नूं वेखो ते यही अमृत हो जाता है। पर जे अमृत नूं वख कर दिओ ते जहर तो अलावा कुछ नहीं है। वेखण वाली अख जे वेखे ते पिता विचों वाहिगुरू नूं वेख सकदी है, मां विचों रब नजर आ सकदा है, पत्नी पति विचों मनुख परमात्मा नूं वेख सकदा, क्योंकि सभै कट राम बोला, रामा बोला, राम बिना को बोला रे, जो सारियां विच ही वाहिगुरु है ते क्यों नहीं वेख सकता। नजर दो प्रकार दी है ना। बाबा नामदेव जी उत्थों भी रब नूं वेखण वाला तरीका लभ लैंदे ने, कहंदे जैसे बिखै हेत पर नारी, तैसे नामे प्रीत मुरारी। बिख जहर विचों, इत्थे जहर किसनों कहा जा रहा है, पराई स्त्री उत्ते माड़ी निगाह पाउणी, पराई औरत दी सुंदरता नूं वेख के जहरीली अख बना लैणी, उस प्रीत तान नाल वेखना। बाबा नामदेव जी कहिंदे मैं तां इउं मालक वाहिगुरू नूं वेखदा। एक बंदगी करन वाला फकीर तुरिया चला जा रहा सी, उन्हें एक सुंदर औरत नूं वेख्या, स्त्री नूं उहदी सुंदरता वेख के ते वेखदा ही रह गया। ते जद उस बीबी ने वेख्या ते कह दिता भी तैनूं लाज नहीं आउंदी, तू इस तरीके दे नाल नजर भर के इतनी देर नाल वेख रहा है, तेरा लिबास धार्मिक है, तू फकीर बंदा बंदगी करन वाला, तैनू गल सोभदी नहीं है, ये करके तो निंदा होंदी है, ये करके बड़ी बुराई सहनी पैंदी है। उन्हें एक गल कह दिती कि मैनू तेरे रूप नाल कोई गर्ज नहीं, ना तेरी सूरत नाल, मैं ते मालक वाहिगुरु दी उस खुदा दी कलम नूं वेखदा। जे उन्हें तैनू सुंदरता दिती है ते मैं तेरी सुंदरता नहीं वेख रहा, उहदी वड्याई वेख रहा कि जद वह किसी नूं बनाउण ते आउंदा ते कितना कु सुंदर बना सकदा है, वह जद बनाउण ते आउंदा ते दरिया समुंदर पहाड़ सुंदर फुल पूरी कायनात सृष्टि, ते जद विगाड़न ते आवे एक बीना दे दस बीह हिर लै तो मूड़ा कुछ क्या करे, ओदे हथ दी गल है।
सतगुरु जी यही समझाना चाह रहे ने कि वह नजर मिल जाए, जह जह पेखो तह हजूर, दूर कतों ना जाई, रव रहा सरबत्र मैं मन सदा तिहाई। नजर मिल गई सत्ता जी बलवंत जी नूं, जद वेख्या गुरु रामदास साहब सतगुरु जी नूं, ते साहब गुरु रामदास साहब जी की सुंदरता ते पावन सरूप वेख के रब चेते आ गया। वो पुकार के कह उठे, धन धन रामदास गुर, जिन सिरिया तिनै सवारिया, पूरी होई करामात, आप सरजनहारै धारिया। मेरे मालक वाहिगुरु, जे असी गुरु रामदास साहब जी नूं वेख रहे हैं, ते उस पावन सरूप नूं वेख के तू चेते आ रहा, क्योंकि इनू तू सरजिया है, आप सरजनहारै धारिया। सुंदर तो सुंदर बच्चा वेख के सानू केवल ओदी सुंदरता नजर आ रही है, बहुत सुंदर बच्चा है, पर जे भगत दी अख वेखो ते उनू ओदे विच्चों भी रब चेते आउंदा है। सानू साडा पुत्तर ही नजर आउंदा, दुनिया दे पुत्तर साडे लई, इउं जाणो जिस तरह ये पुत्तर ही नहीं हन। बंदा बड़ी नफरत नाल वेखदा है, सब कुछ अपने लिए इकट्ठा कर लेना चाहुंदा है, पर गुरु अर्जन देव साहब जी की नजर वेखो, पुत्र जन्म लैंदा है ते रब नजर आउंदा है, कहिंदे मेरा पुत्र थोड़ा जम्मिया पूत भगत गोविंद का, प्रगटिया सब मैं लिखिया तो रका। यही तो फर्क है दुनियावी वड्याई ते सच्ची वड्याई विच। हरनाखश नूं पुत्र अपना नजर आउंदा है, इनू जो मैं कहां ओही करे, भावे मैं गलती क्यों ना कह रहा हूं। आम तौर पर ज्यादातर मनुखता दे विच सोच यही नजर आउंदी है, मनुख आप हेरा फेरियां कर रहा है, भावे वह बिजनेस दे विच होण, भावे किसी खिते दे विच होण, ओही कुछ अपनी औलाद नूं भी कई बारी विरासत च दे जांदा है, वह चलाकियां सिखाना चाहुंदा है। ते जे किते बच्चे उत्ते गुरु की कृपा हो जाए, वह कुछ नहीं करना चाहे, वो सोच लवे हक पराया नानका उस सूअर उस गाए, वह गुरु वाले दसे रस्ते उत्ते चले मैं वह जी किरत करांगा, ते सका पिता भी वैरी हो जाता, कहिंदा जी ये तो निरा साध है, ते कितों संत जम पिया घर च, हुण साध या संत नहीं कह रहा हुंदा है, वह कहिंदा पागल जम पिया घर च, ये घर बनावेगा नहीं उजाड़ देगा, कह नहीं सी दिता। बाबा कबीर साहब जी की मां ने हमारे कुल कौने राम कहो, जब ते माला नहीं लई ने पोते, तब ते सुख न भयो, सुनो जठानी सुनो दरानी, अचरज एक भयो, सात सूत इन मुंडिये कोए, मुंडिया क्यों ना मोयो। ये मरी जांदा ते चंगा सी, इन्हें तो उजारा ही पा दिता, पर उन्हों की पता सी कि भगत कबीर सिंह साहब जी की वड्याई वह महान वड्याई है, जिस करके है मां तू भी जगत च प्रगट हो जाएगी, वड्याई का कणका तेरी झोली भी पै जाएगा। सतगुरु जी कहंदे उपमा जात ना कही मेरे प्रभ की, उपमा जात ना कही, दो बारी गल आरंभ पंक्ति उथों ही की, मुकाई भी उथे ही, क्योंकि इतनी महान उपमा है मालक वाहिगुरु जी की। उपमा जात ना वड्याई, उपमा का अर्थ है वड्याई, उपमा जात ना कही मेरे प्रभ की, उपमा जात ना कही तज आन शरण गही। कित्थे गल पहुंची है तुसी देखो, कहिंदे मैं दुनिया दी वड्याईयां नूं तज दिता है, त्याग दिता है, मैं वाहिगुरु जी की शरण फड़ ली है, क्योंकि मैंने समझ आ गई कि वाहिगुरु जी तो वड्याई तो वड्डी होर कोई दुनिया दे च वड्याई ही नहीं है, वह सब तो वड्डा है। तो मैं उस वड्डे की शरण विच आ गया, मैं धोखे वाली वड्याई प्राप्त नहीं की, उन्हों मैं त्याग दिता है, रहाव की पंक्ति है। इस करके वड्याई की ही गल आपने सारी की है, प्रभ चरण कमल अपार हों जाओ सद बलिहार।
कहिंदे प्रभु दे चरण कमलां नाल मेरी प्रीत बन गई है। हुण तां अवस्था ओ गई, राज ना चाहो मुकत ना चाहो मन प्रीत चरण कमलारे। राज कादे लई चाहिदा है? वडियाई। मुक्ति कादे लई चाहिदी है? वडियाई। दुनिया कहेगी मुक्त हो गया है। बाबा कबीर साहब जी वर्गिया ने त्याग दित्ती, ये वडियाइयां। गुरु अंगद देव साहब जी ने कह दिता दुनिया की वडियाइयां अग्गी सेती जाल, इन्नी जली नाम विसारिया एक ना चली नाल। बाबा कबीर साहब जी कहिंदे अंतर मैल जे तीरथ ना वै तिस वैकुंठ ना जाना, लोग पति ने कछु ना हो ना ही राम आयाना। मैं लोगों की परवाह नहीं करता, लोग कहणगे चंगा, लोगों नूं तां भुलेखा भी पाया जा सकता है, लोगों नूं तां ओह कुछ विखाया जा सकता जो नहीं है। अज मीडिया राही वह भी विखा दिता जाता है, किसी नूं बहुत चंगा साबित कर दिता जाता है, किसी नूं बहुत माड़ा साबित कर दिता जाता है, तो बाद च पता लगता है कि गल तां कुछ होर ही सी। पर दुनिया लोगों की वड्याई की परवाह करता है। सब तो बड़ा रोग है दुनिया दे विचे, दुनिया में सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे मेरे बारे में लोग। बंदा यही लोगों तो पुछदा रहिंदा है भी मेरे बारे वो की कह रहा है, तू तो उत्थे रहिंदा है, दसी की गल हो रही सी उत्थे। भलिया इतना डर है अंदर, इहदा मतलब झूठी वड्याई है। जे असल वड्याई होवे ते फिर परवाह ही नहीं है, फिर तो जो नर दुख मैं दुख नहीं माने, सुख सने अर भैनी जाकै कंचन माटी माने, नह निंदिया न उस्तत जाकै लोभ मोह अभिमाना, हरक सोग ते रहे नियारो ना हे मान अपमाना। उथे पहुंच के आसा मनसा सगल ते आ गए, जग ते रहे निराशा, काम क्रोध जह परसै नाहिन तह घट ब्रह्म निवासा। एवें थोड़ा अवस्था मिल जाती है। गुर कृपा जह नरको कीनी तेह ए जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद स्यों जो पानी संग। सब तो सुखी कौन है दुनिया दे विच? असल सब तो सुखी मनुख ओ ही है जिन्हों इस गल की परवाह नहीं कि कौन उस्तत कर रहा है, कौन मेरी निंदा कर रहा है। उस्तत निंदा दो त्याग है, खोजै पद निर्वाणा, जन नानक ए खेल कठिन है, किन्हों गुरमुख जाना। कोई विरला जानता है, परवाह ही ना करे। सतगुरु गुरु नानक देव साहब जी नूं कोई आख्या भूत ना को कहे बेताला, कोई विचारा कह दिंदा है, कोई दीवाना कह दिंदा है, सतगुरु जी हस के निकल जाते हैं, परवाह थोड़ा है, तेरे कहण नाल की होवेगा। तू वड्याई देवे तां मैं वड्डा हो जावांगा, ऐसी गल नहीं है। तू मेरी निंदा कर दवे मैं छोटा हो जावांगा, ऐसी गल नहीं है। क्योंकि मैं दुनिया नाल तां जुड़िया ही नहीं हाँ, मैं दुनिया के मालक नाल जुड़िया, मैं उस वड्डे नाल जुड़िया जिहदे कोल वड्याई दा कोई घाटा नहीं। वो जिन्हों वड्याई देण ते आवे, जिस नीच का कोई ना जाने नाम जपत वो चौंकुंट मानै, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतियां गुण दे, ते जे किते खोण ते आवे जिसनों खुआए करता खुश लै चंगे आई, जे खुआर करन ते आवे ते चंगे आईयां खो लैंदा है। गुरु घर दी इक वड्याई, जिस भी पुत्र ने गुरु नूं मन्निया, जिस भी जी ने गुरु दे खानदान विच्चों गुरु दी वड्याई नूं तकिया, वह कायर नहीं रह गया, वह पिठ पिछे वार करन वाला नहीं रह गया। उन्हें जो भी गल कीती सनमुख कीती, पर जिहड़ा गुरु तो इनकारी हो गया, धीरमल वर्गिया ने गुरु तेग बहादुर साहब जी उत्ते भी धोखे नाल गोली चला दित्ती, पर वड्याई गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं मिली, धीरमल नूं नहीं मिली। इत्थे तक धीरमलीए मीणे कह दिता गया कि इन्हां नूं मूंह तक नहीं लाउणा, पर ऐसा तो नहीं कि मनुख बख्शिया नहीं जा सकता। जे किते
कोई भी अज भी सतगुरु साहब गुरु ग्रंथ साहब जी की शरण विच आ जाए तो यह दरबार तो जैसा बालक भाए सुभाई लख अपराध कमावै कर उपदेश झिड़के बहु भांति बहुड़ पिता गल लावै पिछले अवगुण बख्श लै प्रभ आगै मार्ग पावै। सतगुरु कहिंदे बड़ा बेअंत है प्रभ की प्रभ चरण कमल अपार हो जाओ सद बलिहार उहदे चरणा तो मैं सदा बलिहार जंदा नमस्कार ताखो लख बार इह मन दीजै ताको वार। साहब कहिंदे मेरी पीत ही उत्थे लगी मन पीत लागी ताहे तज आन कतह न जाहे मेरी पीत उत्थे ही लगी वाहिगुरु नूं त्याग के मैं होर किते नहीं जांदा हर नाम रसना कहन मल पाप कल मल दहन हरी दा नाम परमात्मा दा नाम इस रसना नाल कहना ते की होवेगा मैल पाप कल मल कलेश दहन दहन दा अर्थ सड़ जाने पाप सड़ जाने जिस तरह मैल सड़ जांदी है ना जिस वेले सोने नूं अग उत्ते चढ़ाया जांदा है मैल सड़ जांदी है ते प्योर सोना रह जांदा है। बिल्कुल इउं मनुख जे तू गुरु दी हजूरी आ गया ते तू उस मालक वाहिगुरु जी दे चरणा नाल प्रीत जोड़ लई इस रसना दे नाल तू वाहिगुरु जी दा नाम कहण लग गया ते फिर सारे पाप तेरे सड़ जाणगे। साहिब कहिंदे चढ़ नाव संत उधार पहि तरे सागर पार। एक बेड़ी है नाम रूपी बेड़ी बूढ़त कौजे ऐसे बेड़ी मिलत कहिंदे जिस तरह डुबदे नूं बेड़ी मिल जांदी है ना इस तरह मालक वाहिगुरु जी दा नाम है नाम एक बेड़ी है उतार दिंदा है। सतगुरु जी कहिंदे पहि तरे सागर पार ए भव सागर जो है जिथे हर वेले डर लग्या होया पहि दा अर्थ हुंदा डर किते मैं डुब ना जावां मैं डुब ना जावां हम डोलत बेड़ी पाप भरी है पवन लगै मत जाए एक हवा दा हलका झोंका भी उत्थे डरा जांदा जिथे बेड़ी बहुत ज्यादा भरी हुई है इतना भार लद्या होया लिमिट तो ज्यादा जीवन रूपी बेड़ी भी तो यही है बंदे कोल अपना ही बहुत भार हुंदा फिर लोकां दा भार भी अपने सिर उत्ते चक्की फिरदा फलाने दा ए हो गया उहदा ए हो गया इस तरह हो गया करना है। साहब कहिंदे तू अपनी बेड़ी नूं तां संभाल लै कदी भी डुब सकदी है हम डोलत बेड़ी पाप भरी है पौण लगै मत जाए एक हवा दा झोंका भी डुबा जावे पर जीवन रूपी बेड़ी कद तर जांदियां ने अग्न सागर बूढ़त संसारा नानक बाहां पकड़ सतगुर निस्तारा सतगुरु पार उतारा कर दिंदा है। साहब कहिंदे पहि तरे सागर पार मन डोर प्रेम परीत ए संत निर्मल रीत मन दी डोर उस परमात्मा वाहिगुरु नाल ऐसी प्रीत दी डोरी बन के जुड़ जावे यही संतां दी निर्मल रीत है पवित्र रीत है प्रीत ते रीत प्रीत रीत की क्रिया न्यारी गुरु राय साहब जी ने कहा सी बुजुर्ग माता दी प्रीत सतगुरु जी ने ऐसी निर्मल रीत अपनाई कि उहदे जीवन नूं भी निर्मल कर दिता। तज गए पाप बेकार हर मिले प्रभ निरंकार सारे पाप बेकार निकल जांदे हन कद हर मिले प्रभ निरंकार जे वाहिगुरु मिल पवे हुण वाहिगुरु नूं मिलना है ते किस तरह मिलिए कि जंगलां च चले जाइए पर इत्थे तां कहा जांदा जंगल जंगल क्या भवें वन कंडा मोड़े वसी रब हयाली बाहर क्या ढूंढे इहदा मतलब घर दे च बैठे हां जी रब मिल सकदा है वाहिगुरु मिल सकिया है घर ही बैठे शह मिले
जे नीयत रास करे, साड़ी नीयत होवे मिलन दी, नीयत चंगी होवे परमात्मा नाल मिलन दी, वह मिलेगा। हाले तां गुरुद्वारे पहुंच के भी असी गुरु नूं घट मिलन आउंदे आ, वाहिगुरु नूं मिलन घट आउंदे आ, इत्थे भी पदार्थां नूं पकड़न आउंदे आ, पदार्थ मिल जाण। साड़ी सारयां दी दौड़ यही है, अरदास तां यही है ना, पदार्थ मिलन। पदार्थां दा मालक ना भी मिले तां चलेगा, दुनियावी वड्याई मिल जावे, वड्याई देण वाला ना मिलेगा तां की होया, पर जे वड्याई देण वाला ना मिलिया ते फिर वड्याई ने तां चार दिन भी नहीं रहना। साहब यही समझाउणा चाह रहे ने